मारा गूंगा लड़का का एगो हाथ नहीं है। वो हमको धमकी दे रहा है कि बाबा वीडियो बनाना छोड़ दीजिए, नहीं तो जान से मार देंगे, गोली मार देंगे। आ तुम्हारा जो गूंगा बेटा है उसका एगो हाथ नहीं बचाए, क्योंकि हमें बचाइएगा तो हम कॉमेडी आप लोगों को दिखाएंगे, ऐसा ऐसा कॉमेडी वो ये नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव। दोस्तों कहते हैं कि कला किसी का मोहताज नहीं होता। एक ऐसे ही जाबाज कलाकार जिसका नाम है अलबेला बाबा, सुप्रसिद्ध कॉमेडियन कलाकार अलबेला बाबा, आप तो तमाम आप जानते हैं चिरकुट बाबा और अलबेला बाबा, ना जाने कितने बाबा हैं, लेकिन अलबेला बाबा एक ऐसे होनहार कलाकार हैं जो गरीब परिवार से निकल के आप लोग के बीच में आए हैं और समझ सकते हैं कि क्या होता है, मतलब ज़िंदगी और कैसे जिया जाता है। मैं अलबेला जी से बात कर रहा हूँ। अलबेला जी आज हमारे साथ हैं, वीडियो में है, आप उनका क्लिप मैं आपको दिखाऊँगा कि क्या है। अलबेला जी आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल जोश एक्सप्रेस पे। आप बताइए, यह कब मन में ख्याल आया कि मतलब मुझे वीडियो करना चाहिए, कब से आए आप वीडियो पे? भैया वीडियो से तो अब क्या बताएं आपको, जब से मेरे को होश हुआ तभी से हम सोचे कि देखें पहले कि गांव समाज में कैसा हो रहा है, क्या हो रहा है। तो जब देखे तो मेरे को समझ में आया, तो हम भी सोचे कि रुको इस चीज को हम लोगों के सामने दिखाते हैं कि घर में कैसे क्या हो रहा है, गांव समाज में क्या हो रहा है। तो भैया देखे इस चीज को तो हम सोचे तब वीडियो बनाने लगे। अलबेला जी आप जो वीडियो बनाते हैं इसमें कौन कौन आपका साथ देता है और कब कब वीडियो आप बनाते हैं? भैया हम वीडियो में हमारे साथ एगो हमारे गूंगा लड़का है, एगो पतो हवे और कैमरा मैन हवे लोग दूर दूर से जे भी जेकरा गांव में जाइले भैया सब सपोर्ट करेला, प्यार दुलार देवेला, तो सबसे मिल के बनाइले लोग। हम भी कहानी सोचिले आ लोग हमके कहानी बतावेला कि बाबा ऐसा देखिए हो रहा है समाज में, इस चीज को आप बनाइए, सबको दिखाइए कि ये चीज दूर हो जाए कि किसी को बेटा है पतू है तो कैसे बाप के साथ, सास के साथ, ससुर के साथ व्यवहार करे के चाहिए, इस चीज के बाबा रुआ दिखाई तब लोग के तनी सीख मिली तो ऐसा गलती ना करी। तो वे चीज के भैया दिखाई ले। अलबेला जी मैंने सुना है आपको मारने की धमकियां दी गई हैं, आपके कला को देखकर लोग आपको मारना चाहते हैं, आपको गाली गलौज दे रहे हैं, इसमें क्या है, कौन है जो आपको मारना, किस पे आपको शक है? भैया देखिए अब हम तो ये नहीं जानते हैं कि कौन है, बाकी जब से हमें ये बात सुनने को मिला है तब से भैया हम लोग वीडियो बनाना रोक दिए। हमारा गूंगा लड़का का एगो हाथ नहीं है, वो हमको धमकी दे रहा है कि बाबा वीडियो बनाना छोड़ दीजिए, नहीं तो जान से मार देंगे, गोली मार देंगे। आ तुम्हारा जो गूंगा बेटा है उसका एगो हाथ नहीं, वो एगो हाथ काट लेंगे। सब भैया बात सुन के बहुत दुख हमके लगा था, हमके वीडियो बनाए के आत्मा नहीं करा था, ऐसा ऐसा गाली दे रहा। मैं चाहूंगा अलबेला जी आप अपने आंखों को रोके और मैं हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, अलबेला जी हमारे दर्शक देख रहे हैं। देखिए जनता एक ऐसी अदालत है कि सबकी फैसला कर सकती है, तो आप हमारे YouTube चैनल पे है, घबराइए ना, जो आपको हो रहा है, कौन है ऐसा कर रहा है, किसी पे शक है तो बताइए, या फिर कौन है जो ऐसे कर सकता है, आपको किसी पे शक है इसको आप बताइए। भैया हमको तो कुछ बुझाई नहीं रहा, हम क्या कहें आपसे, इतना हम लोग परेशानी में, तबीयत भी खराब हो गया है, हमें गरीब घर से है, बताइए कि हमें बार बार धमकी मिल रहा है कि आपको जान से मार देंगे, आपके गूंगा बेटे को मार देंगे, चाइना वाले उड़वा देंगे। तो आपको किसी पे शक है या फिर आपकी कभी किसी से दुश्मनी थी क्या? ना भैया हम तो सब केहू के चरण में गिर रही ले, भैया हमके का केहू से दुश्मनी हुई, वो लोग का चीज के दुश्मनी बा ये तो हम ना बता सकते हैं, रोवे लोग बताई आई पब्लिक बताई, आखिर में हम छोट मोट कलाकार है जा,
छोट मोट पारिवारिक वीडियो बनाई ले, अरे वो लोग के दिखाई ले, बार बार धमकी आवता कि तुम्हारा चैनल के उड़वाई दे, हमारे चैनल के नाम ऑल बेला बाबा ऑफिशियल, बहुत दुख हो गल भैया। अलबेला जी कहीं ना कहीं है जो कि दर्शक भी देख रहे हैं, और देखिए किसी को हम कह नहीं सकते हैं, तमाम ऐसे टीका टिप्पणी होता रहे, आप रोइए मत, आप रो रहे हैं तो तकलीफ़ हो रहा है, आप जैसे होनहार कलाकार एक गरीब घर से निकलता है, ऐसा क्यों होता है कि शासन प्रशासन को खबर नहीं होती है, फिर ऐसे क्या है। अलबेला जी ये हमको बताइए, आप तो ठीक है मारने के लोग धमकी दे रहे हैं, तो आगे आप क्या वीडियो करेंगे या रोक देंगे? आ गए, हम तो इतना डर गए हैं, हम कुछ भी नहीं, वीडियो एक भी अपलोड नहीं कर रहे, जब से हमें बोले हैं हम कुछ न, दिमाग काम नहीं कर रहा, हमारा गूंगा लड़का भी रोई रहा, दिन भर खाना, आज हम लोग 2 दिन से खाना नहीं खाए हैं। अलबेला जी आप, मैं चाहूँगा पूरी मीडिया आपके साथ है, पूरा शासन प्रशासन आपके साथ है, और हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, अलबेला जी आप एक अच्छे हैं। अलबेला जी देखिए कहीं ना कहीं भोजपुरी अश्लीलता पे बहुत काफ़ी मैंने मुहिम भी छेड़ा था, आप भी जानते हैं तमाम लोग मुहिम छेड़े हुए हैं, तो भोजपुरी अश्लीलता को क्या उद्देश्य है, कि आप भोजपुरी अश्लीलता को ख़त्म कर पाएंगे? भैया हम ज़्यादा कुछ तो नहीं कहेंगे, बस इतने कहेंगे कि हमें आप लोग बचाएं, क्योंकि हमें बचाइएगा तो हम कॉमेडी आप लोग को दिखाएंगे, ऐसा ऐसा कॉमेडी वो ये दिखाएंगे ना कि आप लोग कहिएगा कि अलबेला बाबा की सोच कैसा है, और हमको भी जितना लोग सपोर्ट करते हैं कहते हैं कि बाबा ऐसा कॉमेडी बनाइए कि लोगों को सीख मिले, तो हम ऐसा ऐसा कॉमेडी बनाएंगे कि आप सभी हंसते रहे और अच्छा से आपका समय पार हो जाए, और बहुत सारा मैंने प्यार आप लोग हमें दिया है, देते हैं, और हमें बचाए आप लोग, यही आप लोग से उम्मीद करेंगे कि हमें जान से मारने की धमकी मिल रही है, हमें आप लोग बचा लें, क्योंकि हम गरीब परिवार से है, हमें आप लोग सपोर्ट नहीं कीजिएगा तो कौन करेगा। आप रोइए ना, आप एक होनहार कलाकार हैं, कलाकारों की कहीं ना कहीं है निंदा होती है ऐसे समाज में, मैं क्या बताऊं, लेकिन आपके साथ शासन प्रशासन मीडिया है, आप देख सकते हैं, और आप बताइए, आप कमेंट करेंगे कि अलबेला जी एक ऐसे गरीब घर के परिवार से बिलोंग करते हैं, आज उनको मारने की धमकी आ रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? मैं चाहूँगा ऐसे लोगों का आप लोग साथ दें, ताकि अलबेला जैसे लोग अपने मुहिम को जो छेड़ा है कि भोजपुरी अश्लीलता को खत्म कर देंगे, उसमें हम लोग का साथ देना हम लोग का दायित्व बनता है। अलबेला जी और लास्ट में आप क्या कहना चाहेंगे दर्शकों से और जनता से, क्या आप अपील करना चाहेंगे? अलबेला जी लास्ट सवाल, आपके परिवार में कौन कौन है? हमारे भैया पिताजी नहीं है, हमको 2017 में छोड़कर चले गए, हमारी मम्मी है और हमारे भैया लोग है। अलबेला जी आपका दर्द सुन के शायद इंसानियत जाग जाए, और मैं चाहूँगा कि आप हमारे दर्शक जितने देख रहे हैं अलबेला जी का सपोर्ट करना चाहिए, अलबेला जी अक्कल हमारे पे हैं, जितने ये सोशल मीडिया पे हैं, जितने सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, चाहे यूट्यूबर हो, चाहे कॉमेडी बनाने वाला एक्टर हो, चाहे फिल्म बनाने वाला, भैया आज अगर हमारे जैसे लोग पे धमकी दे सकते हैं, हमको लोग धमकी दे सकते हैं, अलबेला जैसे लोग को धमकी दे सकते हैं, तो इसमें आखिर कौन आएगा हम लोग को बचाने, इसमें सबका साथ चाहिए, सबका सहयोग चाहिए, क्योंकि आज हमारे पे है, कल अलबेला जी पे है, कल हो सकता है आप जितने सोशल मीडिया पे हैं सबके साथ हो सकता है, तो इस पर एक आप लोग भी एक बार उठाइए, बीड़ा उठाइए, ताकि ये जो तमाम ऐसे कलाकारों को धमकियां मिल रही है, जो सोशल मीडिया पे उसको धमकियां मिल रही है, ये धमकियों से मतलब जो है उनको दूर किया जाए। तो आज के लिए बस इतना ही, बने रहिए मेरे वीडियो के साथ, ऐसे तमाम खबरों के साथ मैं आपके साथ बना रहूँगा, मैं हूँ आपका अपना जितेंद्र दिव्यांग, और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल जोश एक्सप्रेस। नमस्कार दोस्तों। ठीक है भैया, नमस्कार।